हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फो इनफॉर्मर चैनल। आज का सेशन है अबाउट नो वर्ड्स एंड ग्रो नॉलेज, और आज का वर्ड है नेपोटिज्म। क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, इसे बार बार मीडिया में, पॉलिटिक्स में, न्यूज़पेपर में और यहाँ तक कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस वर्ड की प्रोनंसिएशन से लेके इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं तक सब जानते हैं। इस वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, इसके सिनोनिम है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है पक्षपात। डिस्क्रिप्शन, द प्रैक्टिस अमंग दोज विथ पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एस्पेशली बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो लोग पावर में बैठे हैं उनके द्वारा अपनी पावर का पक्षपात पूर्ण प्रयोग करना, जैसे उनके दोस्त, फैमिली मेंबर्स या वो लोग जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं, उन्हें वो सब अपॉर्चुनिटीज़ देना जो वास्तव में कोई और डिज़र्व करता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, उसमें भी नेपोटिज्म हमें देखने को मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, परफॉर्मेंस भी एट पार है, इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही है, लेकिन जब इंक्रीमेंट या प्रमोशन का टाइम आता है तो उस एम्प्लॉय के बजाय किसी और एम्प्लॉय को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाता है एंड अनवांटेड प्रमोशन भी मिल जाता है, डिस्पाइट कि ना तो वो एम्प्लॉय डिसिप्लिन था और ना ही कंपैरेटिवली परफॉर्मिंग। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट नेपोटिज्म। इसे हम सेंटेंस फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? How to use it in sentence? Since John is underqualified for the post, still his uncle hired him because of nepotism. So I hope आपको complete understanding हो गई होगी nepotism word के regarding, and I think that it will enhance your knowledge. और अगर ऐसा है, so don't forget to subscribe Info Informer because there is lot to go. Thank you for listening. Take care. Bye-bye.